मायावती इस समय वोट डाल के आई हैं, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए आज पांचवें चरण का रन और मायावती वोट डाल आई हैं। अलाउद्दीन हमारे साथ यहाँ से मौजूद हैं। अलाउद्दीन, मायावती वोट कास्ट कर रही हैं? जी हाँ बिल्कुल, मायावती जी वोट कास्ट कर रही हैं, वो मताधिकार का अपने प्रयोग कर रही हैं। इस बात का जिक्र आप कर रही थी कि मोहम्मद सरवर जो है मलिक यहाँ से प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के, ऑब्वियस है वो अपनी पार्टी के लिए मतदान कर रही है। 2019 की बात करें तो उस वक्त ठीक 5 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें कोलिशन क्योंकि था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन इस बार जो इलेक्शन है उसमें कोलिशन नहीं है, दोनों पार्टी अलग अलग लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का पार्ट है जबकि बहुजन समाज पार्टी खुद अकेले उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में इलेक्शन लड़ रही है। तो ये बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि बहन जी जैसे ही बस चंद क्षणों में यहाँ आने वाली है वोट कास्ट करके, तो अपने मताधिकार के प्रयोग पर भी प्रकाश डालेंगी, साथ ही जो उनकी पार्टी लाइन है उस बात को भी जो है बताएंगी। आप साफ तौर से देखें तो बिल्कुल सामने अब बसपा मुखिया आती हुई दिखाई दे रही हैं। बस चंद क्षणों में वोट कास्ट से लेकर के तमाम चीजें और तमाम बातें आप जो है सुन पाएंगे। देखिए टीवी स्क्रीन पर भी अगर विजुअल मिल पा रहे हो तो एक बार उसको दिखाएं। बस चंद क्षणों में ही बिल्कुल मायावती अपना बयान देना शुरू कर देंगी और बताएंगी। बिल्कुल देखिए अपने जो है उंगलियों के निशान को दिखाती हुई नजर आ रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि सुबह उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। जो लोग घरों में बैठे हैं, जो लोग अभी तक इस बात का इंतजार, ठीक है बिल्कुल सुनेंगे मायावती आज मतदान के दिन क्या कहती हैं, किन बड़ी बातों का जिक्र करती हैं। बहरहाल अमेठी चलते हैं जहां से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। ऋषभ मणि, तस्वीरें दिखाइए और ये रण समझाइए, आज मतदान करने के लिए लोग यहाँ पहुंचे हैं, स्मृति ईरानी अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। पहले मतदान फिर जलपान, बड़े लोग छोड़ो हम सब वोट डाल दिए अब जा रहे हैं अपने घर। तो जब आप वोट डालते हैं क्या क्या विचार मन में रहता है, क्या मुद्दा रहता है, कोई स्थानीय अमेठी का मुद्दा या कुछ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे रहे? अब हमारे स्थानीय मुद्दा तो नहीं है, लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहा है भैया, ये माइक नीचे करो और आज पांच ये माइक नीचे करो यार, वोट नहीं मिल रहा है जनता के लिए, वोट नहीं मिल रहा है पांच के चरण में है। इस मौके तो मैं पांचवे चरण से जुड़े मतदाताओं से जोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए ज़रूर जाएं। तो यही मेरी दरख्वास्त है, अपील है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा, आम चर्चा है कि जो ये चुनाव जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है, आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं, ये देश में जनहित में ठीक नहीं है। इसलिए मेरी सभी पार्टियों को ये कहना है कि उनको देश और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही हैं इस बार बहुजन समाज पार्टी की? देखो ऐसा है, अभी तो वोट पड़ रहा है पांचवें चरण का, अभी 2 चरण और बचे हुए हैं, तो वोट पड़ जाने तो जब रिजल्ट आ जाएगा, ये जो भाजपा 400 पार का दावा कर रही है, जब रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी, ये जो भाजपा 400 पार का दावा कर रही है मैम, आप इसको कैसे देखती हैं? देखो हर पार्टी अपना दावा करती है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। इंडिया गठबंधन लगातार ये कह रहा है कि हम लोग बढ़त की ओर बढ़ रहे हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या चीज, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं? अभी ये तो पिछली बार भी बोल रहे थे जब पार्लियामेंट का, मैंने अभी जैसे
23 तारीख को मेरा प्रोग्राम मिर्जापुर में भी है, इसके बाद फिर मैं बिहार जा रही हूँ और अगले दिन 24 तारीख को फिर मैं पंजाब भी जा रही हूँ। ऐसा तो मैंने ये महसूस किया है, मैं अपनी पार्टी का बता रही हूँ कि लोगों में काफ़ी जोश है और अकेले यूपी में नहीं, यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है और इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा होगा। मुझे तो लग रहा है हूँ कि लोगों में काफ़ी जोश है और अकेले यूपी में नहीं, यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है और इस मायावती जी लगता है आपको इस बार बदलाव होगा? मुझे तो लग रहा है इस बार जरूर बदलाव होगा क्योंकि जो जनता है, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जनता कुछ साइलेंट सी है, ज्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं रही है, वो ये सब देख रही है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, आकाश आनंद को हटाया गया तो बड़ा विपक्ष ने हंगामा किया, आपको क्या लगता है कि क्या किसी दबाव में हटाया गया या आगे के लिए? इसके बारे में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। नहीं, भाजपा के जो लोग हैं उनका कहना ये है कि देखो ऐसा, इसके बारे में कौन क्या कह रहा है जी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, इस संबंध में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ और पूछे। अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मायावती को आप सुन रहे हैं जो कह रही हैं कि इस बार उनके इंटैक्ट वोटर एक तरफ और साइलेंट वोटर एक तरफ, मतलब उनके जो वोटर है वो इंटैक्ट है, वो उनको ही वोट करेंगे, लेकिन जो साइलेंट वोटर हैं वो काम खराब करेंगे और बीजेपी के लिए वोट नहीं करेंगे। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी और मेहमान बने हुए हैं, संकेत के पास चलेंगे। संकेत हमारे साथ इस समय मोहनलालगंज से मौजूद हैं। संकेत, वोट कास्ट करने के लोग पहुंचे हैं आज, देखिए वोट वो भी देंगे जिनके सीटों पर मतदान होना है और वोट वो भी देंगे जिन्होंने वोट करना है दिग्गजों के लिए, मतलब दिग्गजों के लिए यहां पर वोट दिया भी जाएगा और दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। मोहनलालगंज की किस पोलिंग बूथ पर आप इस समय मौजूद और कैसा नजारा इस समय आपके सामने है? बिल्कुल, आज पांचवें चरण का के लिए जो 14 लोकसभा की सीटें हैं उनको लेकर मतदान शुरू हो चुका है और सुबह से ही उत्साह खासा देखा जा रहा है, लोगों में उत्साहित हैं लोग मतदान के लिए। और इस बार अगर बात की जाए इस पांचवें चरण की 14 लोकसभा की सीटों पर, तो चार मंत्रियों की, इनमें तीन केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इस समय हम जिस बूथ पे हैं वहां पर हर उम्र के लोग मतदान के लिए सुबह 6:30 बजे ही पहुंच गए थे और अपने जैसे ही 7 बजे से मतदान शुरू हुआ लोग अंदर जाना शुरू हो गए और मतदान करना लोग शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, हम बात करेंगे, मैं मतदान कर दिया है आपने, दिखाएं जरा। मतदान कर दिया है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये हमारी राइट नहीं है, ये हमारा अधिकार, मतलब ड्यूटी है, क्योंकि फेस्टिवल तो हम हर साल अपने घरों में अपना अपने तरीके से मनाते हैं, बट ये 5 साल के बाद जो फेस्टिवल हमें कंट्री के लिए करना होता है वो बहुत खुशी से और पूरे फुल झील से करना चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद ये हमें टाइम मिलेगा मतदान करने का। तो इसको पूरी अपनी ईमानदारी से और ऐसे कैंडिडेट लाइए जो हमारे राष्ट्र इंडिया के लिए डेवलपमेंट ज्यादा कर सके, ना कि हम ये सोच के कि हम। बिल्कुल संकेत, बहुत सुंदर बात उन्होंने बोली कि अधिकार के साथ साथ हमारी ड्यूटी भी है मतदान करना और इसलिए सबसे पहले मतदान करने ही पहुंचे। कौशाम्बी चलेंगे, सर्वेश दुबे तस्वीरें दिखाइए और यहाँ पर लोग किन मुद्दों को लेकर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, आप जनता से बात भी करिए। देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया और पांचवें चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं कौशाम्बी में। कौशाम्बी सुरक्षित सीट है और इस सीट पर बीजेपी से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी बनाए गए हैं विनोद सोनकर। आप देखिए कि यहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं चिल्ला सहबाजी के मतदान केंद्र पर। यहां पर दो बूथ हैं, एक बूथ पर 984 वोट हैं, दूसरे पर 801 वोट हैं। आप देखिए कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोगों में किस तरह से जागरूकता है अपने मतदान को लेकर, वो एक अच्छी बात है कि यहां पर सबने पहले उस रूल को फॉलो किया है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, यानी कि लोग घरों से निकले हैं, वोटिंग शुरू हो गई है। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं और किस तरह से लोगों में उत्साह है। अगर इस सीट की बात करें तो इस सीट पर जो लड़ाई है वो लड़ाई जो है बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज, इसके साथ ही साथ बसपा के प्रत्याशी शुभ नारायण गौतम के बीच में है। लेकिन इस सीट पर विनोद सोनकर हैट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे, तो वहीं यहां पर इंद्रजीत सरोज जो पूर्व मंत्री हैं उनके बेटे यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में। कुछ लोगों से बात करेंगे। भैया आप बताइए कि आप लाइन में खड़े हैं, सुबह से यहां पर आ गए हैं, क्या मुद्दे हैं यहां के?
हमारा मुद्दा ये कि रोजगार में जो युवा रोजगार पाना चाहते हैं उनको रोजगार मिले, रोजगार मिले। भैया आप बताइए क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, सुबह से यहाँ आ गए हैं, कितना उत्साह है मतदान को लेकर? अरे ये रोजगार है, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे, महिलाएं भी आ गई हैं। ये बताइए कि सुबह सुबह आप आई वोट देने के लिए, अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? नहीं बोलना चाहती, मदद बताइए क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, आप वोट देने आई हैं? आर यू सर्वेश, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी और जनता की ये जो बातें हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, ये जरूर जानने होंगे, क्योंकि यही विपक्ष का आरोप है कि जो सरकार है वो मुद्दों की बात ही नहीं कर रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान भी इस समय मौजूद हैं, अशोक यादव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सौरभ मालवीय हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले चलते हैं हम लोग अशोक यादव जी के पास, जो कि एक रिएक्शन उनसे लेना बनता है, क्योंकि पांचवें चरण का रन होना है, बहुत सारी उम्मीदें यहां पर इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी को है, चार सीटें कांग्रेस वाली हैं जिन पर कांग्रेस की तरफ से मतदान लड़ा जा रहा है। अशोक यादव जी, कितनी उम्मीदें पांचवें चरण के रण से इंडिया गठबंधन को और समाजवादी पार्टी को? देखिए आपने कल देखा होगा, माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की जो रैली थी और जो जनसभा थी, उसमें लगभग हम लोगों को अनुमान था कि 1 लाख की भीड़ आएगी, लेकिन वो भीड़ बदल गई लगभग 4.5 से 5 लाख में, और एक अफरा तफरी का माहौल हुआ। इससे आप देख सकती हैं कि जो भीड़ आ रही है वो लाखों की संख्या में आ रही है, और वो अपने मन में उसके अंदर एक उत्साह है, 60 लाख अभ्यर्थियों के मन में उत्साह, किसानों के मन में उत्साह, नौजवानों के मन में उत्साह, इस आताताई सरकार को उखाड़ के फेंक देना है, और इस उत्साह से लबरेज होकर के जनता मतदान करने के लिए आ रही है। देखिए जिस तरह से आज पांचवें चरण का मतदान हो रहा है, 2 चरण बचा है, कोरोना काल में एक नारा दिया जाता था कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, आज जनता नारा लगा रही है कि 2 चरण की दूरी अब भाजपा को भगाना है जरूरी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी जो कोरोना की तरह लगातार जनता के जान से भी खिलवाड़ कर रही है। आपको ठीक है सर, आपकी इस बात पर एक जल्दी से रिएक्शन में सौरभ मालवीय जी से ले लेती हूँ, राजनीतिक विश्लेषक है। सौरभ जी, क्या भीड़ तय कर देगी जीत इंडिया गठबंधन की? देखिए पांचवें चरण का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, खास करके अवध का ये जो क्षेत्र है, जो और उत्तर प्रदेश की बात यदि हम कर रहे हैं तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और ऐसे में प्रमुख दलों के प्रमुख नेता यहाँ रहते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण सारी सीटें हैं। एक तरफ कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, कभी रायबरेली कभी अमेठी में, आज बीजेपी ने चार हर सीट लगभग दूसरी तीसरी बार की सीट प्रत्याशियों के जीत की तरफ आगे बढ़ने की दावा कर रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के में यदि सपा और कांग्रेस का मिलीजुली स्थिति बनती है, मुझे लगता है उनके लिए करो मरो की स्थिति है, और बीजेपी के लिए हैट्रिक लाने की स्थिति है। ठीक है, पूरा दिन है सर, आज कई सवालों के जवाब, पूरे दिन विश्लेषण चलेगा आज पांचवें चरण के रण के ऊपर। फिलहाल देखिए ये बड़ी कवरेज न्यूज 18 पर लगातार जारी है, 14 सीटें उत्तर प्रदेश की जिनके ऊपर वोटिंग शुरू हो चुकी है, 11 सीटें वो हैं जिनके ऊपर बीजेपी ने अपने पुराने सांसदों को ही मैदान में उतारा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 4 जून को इन सीटों पर नतीजे क्या आते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।